चुके हैं, सामने खड़ा है गौस मोटा, देख लो आप लोग। लोग बार बार फोन पे फोन करते हैं। और भाई गौस भाई, सुफियान भाई, इतनी देर में हाथ बढ़ता है, कहाँ की तैयारी है? बस जलवाने पीठ खुल ला रहा है गॉड का चम्मच। नहीं यार, मजाक में बोला यार। गाइस, कल हम लोगों की घूमने में गाड़ी, मेरी गाड़ी की चाबी गिर गई थी, एक्सेस 125 की। तो आप लोगों को मिली हो तो भाई मेरे घर पहुंचा देना भाई, बहुत दिक्कत हो रही भाई, कहीं जा नहीं पा रहे तब से गाड़ी खड़ी है। या तो मुझे दूसरी चाबी निकालनी पड़ेगी। पीछे पता नहीं कौन कुत्ता था, रमजान के महीने में गाली बक रहा था। गजर का लवा, बजर का लुआ, पीछे लैटरिन निकल गई। यहाँ पर सुफियान की गर्लफ्रेंड देखने वाले हैं हम लोग। गर्लफ्रेंड की दुकान यही कहीं आसपास है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता सुफियान की गर्लफ्रेंड बैठी है यहाँ। नहीं बैठी, क्योंकि सुफियान की गर्लफ्रेंड की दुकान ये वाली है जो कि बंद है, जो कि बंद है। तो बहुत कायदे भाई, क्या कायदे? खुली हो रही है रमजान का महीना, नहीं हो तो सारी खुली मिटा देते तुम्हारा। तो ये बताओ, तो झूठ क्यों बोल रहे हो अपनी जनता से? क्या दिक्कत है भाई? उनको कोई दिक्कत नहीं, तुम्हें क्यों दिक्कत है? वो दिक्कत है, क्यों दिक्कत है? समझदार है, थोड़ा सा खुजला लो भैया इनके। पता नहीं कितनी खुजली क्यों होती गाइस। दादा मुर्गा बहुत खाते है ना, मुर्गा ज्यादा मुर्गा खाने वाले खुजली होती है। मुझे तो नहीं लगता भाई, मैं भी बहुत खाता हूँ। हम बड़ा मुर्गा खाते हैं यार, छोटा मुर्गा खाते हैं। ये देखो, एक पौवे का कमाल है। पौवे ये देखो, अभी भी झाड़ियों में होके आ रहे दोनों लोग। पूछ रहा है देखा ना आप, तुम्हें ये क्या कर रहा था, ये भी करता है। तो अभी हम लोग यहाँ वी मार्ट के पास आ चुके हैं। तो अंदर चलेगा टी शर्ट देखना? नहीं यार, अभी नहीं। जब वी मार्ट में बहुत बढ़िया बढ़िया माल आया है। माल तो वी मार्ट में आता ही रहता है, दोनों तरह का माल आता है, वाला भी और वाला भी। देख लो माल, वी मार्ट ज्यादा माल माल कर रहे हैं रमजान के लिए यार। कपड़ा होता था वाला माल, पहले का वाला माल था। गाइस अभी हम लोग बजरिया थाने पास पहुंचने वाले हैं। गाइस गाइस इधर, अभी आप लोगों को जगह दिखाएंगे जहाँ सलमान खान की शूटिंग हुई थी। बजरंग कौन सी चीज चलती हुई? नहीं बजरंग की भाई, नहीं दबंग, दबंग की शूटिंग इस थाने में हुई थी। दबंग 2 की शूटिंग इस थाने में हुई थी, थाना बजरिया में। और यहाँ पर गाड़ियों वगैरह का काम भी होता है। होता ना यहाँ गाड़ियों का काम कभी कराया है यहाँ? देखो और काम कराते हैं हम। अपनी स्कूटी में एक्सेसरीज यहीं से लगवाई थी हमने, बाकी दुकान के पास ले लेगा एक दिन। गाइस गाइस अगर सामने जाएंगे तो मोती झील मिलेगा, इधर जाएंगे तो गोती झील मिलेगा। गोती झील मिलेगा, ये क्या होता है? ये होता है, वो आप लोग नहीं समझेंगे, मेरी जनता समझती है। अच्छा, तुम्हारी जनता समझती है, तुम्हारी जनता है कहाँ? ये रही मेरी जनता, हम लोगों की जनता। तो गाइस कितना अच्छा मौसम हो रहा है, कब्रिस्तान आ गया है। यहाँ मेरे नाना नानी की कब्र है, रुक गए सलाम करने। अस्सलामु अलैकुम या अहले कुबूर। गड्ढा गड्ढा देख के, गड्ढा देख के हम लोग की जिंदगी में असल में गड्ढे में घुस चुकी है। देखिए हम लोगों की जिंदगी तो क्या हो जाता। मेरी जिंदगी में 2 गड्ढे आए थे, एक तो ये वाला गड्ढा गुजर के गया और एक लड़की आई थी उसके यहाँ पे डिंपल थे बहुत प्यारे, उसी गड्ढे में घुस गए थे। गड्ढे में हम घुस गए थे, मेरी जिंदगी बर्बाद। उस गड्ढे में ना घुसना, जिस गड्ढे में घुस जाना उस गड्ढे में कभी ना घुसना। पार्क के पास हम लोग आ चुके हैं हर बार की तरह, इस बार भी। बाल तो मेरा बोलने में थोड़ा सा घेरे फंसता है, तो थोड़ा कॉर्पोरेट करना ठीक है। लोग कॉर्पोरेट करते हैं बहुत, थोड़ा अभी कॉर्पोरेट करना। वैसे भी आज का ब्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं होगा, क्योंकि आज ज़्यादा घूमने के मूड से नहीं निकले थे,
असल में दो काम से निकले थे, पहले तो गौस भाई को किसी को पेमेंट देनी थी, दूसरा काम था कल हम लोग चिकन बर्गर खाने गए थे अलबैक के वहाँ, तो उस शॉप में पूछने गए थे कि भाई यहाँ हमारी गाड़ी की चाबी तो नहीं मिली आपको, लेकिन भाई ने बोला यहाँ नहीं मिली है भाई। तो गाइस आप लोगों को मिले प्लीज़ दे देना भाई, क्योंकि उसके बिना मैं दे रहा हूँ। देखो गाइस छपरी जा रहा है हम लोगों को ओवरटेक करते हुए, हम लोग भी इसको ओवरटेक करेंगे तो घर का गड़बड़ी आएगी, दीदी चला रहा है, गाली आ गई गाइस, आप उसको वो कर दीजिएगा, गाली आ गई गाइस, परेशान ना हो यहाँ मैं म्यूजिक लगा दूंगा, हाथ दिक्कत नहीं है। ये देखो छपरी जा रहा है, हम लोगों को पेलने जा रहा था ये, लेकिन इसको पता नहीं था हम लोग कितना पेलते हैं, बस रमजान का महीना चल रहा है इसलिए कुछ नहीं बोलते। रमजान का महीना, रमजान का महीना है और गाली नहीं निकली अल्हम्दुलिल्लाह, जो एक निकल गई है उसके लिए माफी चाहता हूँ, अल्लाह पाक से माफी मांगते हैं, आप लोग देखो माफी मांगेंगे, बिल्कुल सही बात है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। चलो गाइस इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अरे भाई साहब गौर भाई ने क्या कर दिया, डर लग रहा भाई, ये कहाँ जा रहा भाई, अच्छा माल दिख गया गौर भाई को, माल सब डलेगा ब्लॉग में, ब्लॉग में सब डलेगा भाई, कुछ नहीं छूटता है ब्लॉग में। तो फिर हम लोग कहाँ चले ये तो बता दो, पीछे पीछे चलेंगे, जहाँ चलना है चलो भाई, बस इसका पीछा छोड़ दो भाई। तो गौर भाई आप नहीं मानेंगे, गलत बात है भाई ये, आपकी मम्मी देखेंगे ये व्लॉग क्या सोचेंगी। वैसे गौस भाई आप इस फील्ड में तो है तो बहुत माहिर, इस फील्ड में लौटियाबाजी वाली फील्ड नहीं, तौबा करो भाई, झूठ नहीं बोलना, हाँ भाई लहिया खा लेंगे अभी हम। तो गाइस चलो इस ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं, क्योंकि आज ज़्यादा मूड नहीं है ब्लॉग शूट करने का। तो गाइस एक बार और देख लेते हैं हम लोग, और देख लेते हैं हम लोग इन लोगों को, तो वो जा रहे हैं छपरी दो दो लौंडियाँ लेके, भाई ये ना डाल देना भाई, छोड़ो यार सब डलेगा ब्लॉग में, सब डलेगा तुम्हारी की सारी कारस्तानी ब्लॉग में डलेगी, कैसे इंसान है तुम ब्लॉग में डलेगा। तो चलो गाइस बाय बाय, ये ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं, जाना है ज़रा काम से, वहाँ पे ब्लॉग नहीं शूट कर सकते, सॉरी बाय।